नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बात राहुल गांधी से शुरू करते हैं और उनके एक बयान से जिसका कनेक्शन महाराष्ट्र से है, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि सरकार संकट में है, तो शरद पवार से लेकर कई नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। पहले आप ये देख सुन लीजिए कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. ये तो सीधा साधा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि हम सरकार में तो शामिल हैं लेकिन हम फैसला नहीं ले सकते हैं। हम तो सिर्फ राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में सरकार चलाते हैं और वहां फैसले लेते हैं। अब आप ही बताइए कि कोई पार्टी सरकार में रहे और ये भी कहे कि हम फैसले नहीं लेते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात है और ये बात कांग्रेस का कोई सामान्य नेता नहीं कह रहा है। कहने को तो राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद भर हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पार्टी का मतलब राहुल गांधी ही है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। शरद पवार खुद बता चुके हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े। सोनिया गांधी से मिलना पड़ा, बहुत समझाना पड़ा, तब जाकर बात बनी, और ये होना भी था। भले ही शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के अच्छे रिश्ते रहे हों, ठाकरे और पवार परिवार में अच्छी बनती है, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस का साथ आना तो एक चमत्कार ही है। वैसे राजनीति में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर जो बातें कही, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से इस पर बात करते हैं। क्या राहुल ठाकरे सरकार से खुश नहीं है? ये सवाल भी बनता है, उनके ताज़ा बयान से ऐसा ही लगता है। राहुल के बयान के ठीक बाद ठाकरे सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक है। शरद पवार की बिटिया और सांसद सुप्रिया सुले ने भी यही बात कही। बार बार ये कहना कि सब ठीक है, अच्छा है, भला है, चंगा है, इसी से शक बढ़ता है कि क्या सच में, वाकई में सब ठीक है या फिर ये कहा जा रहा है। गठबंधन का धर्म है कि उसमें शामिल सभी पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अब अगर ठाकरे सरकार कोई फैसला करती है तो फिर शरद पवार की पार्टी या फिर एनसीपी इससे अपने को कैसे अलग कर सकती है? ये तो कमाल की बात हो गई। ये बात ठीक है कि गठबंधन में समझौते करने पड़ते हैं, ये होता रहा है, पर इसके लिए ये कहा जाए कि हम सरकार में हैं और फैसले नहीं करते, ये तो बचकानी वाली बात हो गई। जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप और कड़वा थू। राहुल गांधी ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं। इससे पहले जब उन्होंने पत्रकारों से एक बार बात की थी, तब भी महाराष्ट्र को लेकर ऐसा ही कहा था जब इसी तरीके का सवाल हुआ था। मतलब राहुल के मन में कुछ तो चल रहा है जो ठाकरे सरकार के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आज उन्होंने लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कई सवाल उठाए। उठाना भी चाहिए, विपक्ष का ये काम है, लेकिन उन्हें यह भी तो बताना चाहिए था कि कोरोना को लेकर मुंबई की हालत क्यों हुई, महाराष्ट्र का हाल बुरा क्यों है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठाकरे सरकार के पास मौका था एक रोल मॉडल पेश करने का। बतौर गठबंधन पार्टी के नेता होने के कारण राहुल गांधी उन्हें सुझाव दे सकते थे, उस पर अमल हो सकता था, काम उसी तरीके से हो भी सकता था। वही राय मशविरा जो राहुल लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, उन्हें भी दे सकते थे। क्या करना है, नहीं करना है, मुंबई एक तरीके से भारत का वुहान बन चुका है, ये हम सबके सामने है। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग तेज हो रही है। ठाकरे सरकार की मांग पर राज्य पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय पुलिस बल यानी सीपीएमएफ के लोग वहां पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेसी नेता एक दूसरे की पैंट उतारने में लगे, ये पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही हो रहा है। ऐसा कला पार्टी में कभी नहीं देखा गया, सब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे रहते हैं। कोई संजय निरुपम का धड़ा है, कोई मिलिंद देवड़ा का, कोई बाला साहब थोराट, कोई पृथ्वीराज चौहान, कोई अशोक चौहान, जितने लोग उतने गुट। महाराष्ट्र में कांग्रेस का आज की तारीख में ऐसा लगता है कोई माई बाप ही नहीं है।
पार्टी अनाथ सी हो गई है। ऐसे हालात में राहुल गांधी ने ऐसी बात क्यों की? ये तो सब जानते हैं कि वे नहीं चाहते थे कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बने। उन्हें लगता था कि ये बेमेल गठबंधन है, सोनिया गांधी के कारण ही ये मुमकिन हो पाया। शरद पवार ने ये सारी बातें मुझे दिए इंटरव्यू में पहले ही बता चुके हैं। उनका मन शिवसेना के साथ जाने के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने जाकर कई इंस्टेंसेस बताए, कांग्रेस को इनकी आवश्यकता थी तब कांग्रेस ने हमेशा उनकी मदद ली, और आज इनके साथ जाने की बात आ रही तो आइडियोलॉजिकल इशू रेज करना ये मुझे पसंद नहीं था। तो सोनिया गांधी तैयार हो गई आपकी बात पर, लेकिन अब जब सरकार बन गई है तो फिर हर अच्छे बुरे के साथी हैं वे। ये नहीं हो सकता कि आग भी लग जाए और इसकी आंच भी ना पहुंचे। कांग्रेस के आपसी झगड़े के कारण मध्य प्रदेश में सरकार जा चुकी है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे को कोसते रहे और देखते ही देखते सत्ता हाथ से चली गई। अब सब पछता रहे हैं, अब पछताए होत क्या। कहते हैं लोग गलती से सीखते हैं, तो उम्मीद है कि राहुल ऐसा ना दोहराएंगे, ना तो कहीं महाराष्ट्र में एमपी जैसा ही हो जाए। बीजेपी के लिए तो लॉटरी निकल जाएगी। फिर अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है, सरकार में हैं तो फिर फैसले में भी साझेदार हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों सिर्फ वहीं के फैसले की आपकी जवाबदेही हो। राहुल गांधी के बयान से मैसेज अच्छा नहीं गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।